पलट के यही पूछा, और एक सीनियर ऑफिसर थी, वो अपनी कार में, जब वो लड़की मुझसे पूछ रही थी तो वो अपनी कार में बैठ रही थी। बैठने के बाद भी वो गाड़ी रुकी और उन्होंने कहा कि सचमुच आज दिखाओगे? मैंने कहा कि अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं हुआ तो आज तो दिखा ही देंगे, नहीं तो कल दिखा देंगे इसमें, लेकिन दिखा देंगे इसमें। तो एक जो डाउट था, आप समझिए कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया, और वो मार्जिन हम कहते हैं क्योंकि उसकी एक वो एक ख़ास सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, लेकिन नंबर से तो वो मार्जिन नहीं है ना। नंबर से दलित समाज जो है वो किसी को हरा सकता है, कोई किसी को जिता सकता है, किसी को राजनीतिक रूप से बर्बाद कर सकता है, लेकिन वो नंबर से मार्जिन नहीं है। लेकिन इतनी ताकतवर संख्या होने के बाद भी एक हसरत कि टीवी पे आ जाए, अखबार पे उस जगह कहा जाए, सोचिए कितना भयानक एलिनेशन है। मेरे पास इस सर कोई जवाब नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं जिन पत्रकारों के बीच में काम करता हूँ ज़्यादातर की कोई सहानुभूति नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कोई संवेदनशीलता नहीं, कोई प्रतिबद्धता कमिटमेंट नहीं है कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेशन करें उसका। और इसी तरह से बहुत तरह का गैप भी है, हम और सोसाइटी का और रीजन का भी रिप्रेजेंटेशन कम कर देते हैं, और ये पीड़ा इतनी है कि वो शो चलने के बाद मैं थैंक यू फोन से परेशान हो गया 4 दिन के तक। मैं कहने लगा कि आप बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं कभी अभी प्रोग्राम नहीं करूँगा। इतनी चिट्ठियाँ आ गई कि हम आपको आपका स्वागत करना चाहते हैं, और मोटी मोटी 10-10 पन्ने की चिट्ठियाँ कोई लिखने वाला। मैं खुश होने के बजाय ये देख रहा था कि ये क्या प्रोसेस किया है, जिस मीडिया के हम हैं हमने एक सोसाइटी को इतना एलिनेट कैसे कर दिया कि उसको सिर्फ एक प्रोग्राम से उसका एलिनेशन का सेंस इतना जागा है, और वो इतना बेचैन है कि अगर मैं छूट दे देता कि हाँ ठीक है आगे कल आकर 3 बजे मुझे माला पहना दीजिएगा, तो रात तक माला पहनाते रह जाते। उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं था, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा जाके कुछ भी नहीं किया था।